शुरू कर रहे हैं वो है कैशबुक। कैशबुक का आज बहुत सिंपल सा हम डिस्कस करेंगे, जो आपको सिंपल यही लॉजिक क्लियर करना है, आपको रियल अकाउंट पता होना चाहिए। रियल अकाउंट का रूल क्या है बच्चों? तो आप बोलोगे सर कैश अकाउंट डेबिट, मतलब कैश डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब कैश बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट और कैश जा रहा है तो क्रेडिट। कैश एक्सपेंस करोगे तो कैश बिजनेस में से जाएगा, कुछ परचेज करोगे तो कैश जाएगा, कुछ इनकम होगी या सेल करोगे तो आप बोलोगे सर आपके पास, तो आप बोलोगे सर आपके पास कैश आएगा, आएगा तो डेबिट होगा। इतना होने के बाद बच्चों आपके स्क्रीन पे एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है, फॉर्मेट या स्पेसिमेन ऑफ सिंपल कैशबुक। तो जिसमें आप देखोगे सबसे पहले आप में क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर डेट दी हुई है, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट दो साइड है आपको क्लियर करना है, पर्टिकुलर रिसीव रिसिप्ट अमाउंट, ये जो है ना रिसिप्ट नंबर, अमाउंट नहीं है रिसिप्ट नंबर है, जो आपको कोई भी इनकम मिली है तो उसका रिसिप्ट नंबर या कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो लिखना है, लेजर फोलियो अमाउंट इतना ध्यान रखना है, उसके बाद डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर लेजर फोलियो अमाउंट इतना ध्यान रखना है, और क्रेडिट और डेबिट इतना ध्यान रखोगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा। पहले आप स्पेसिमेन अच्छी तरह ड्रॉ कर लो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक प्रैक्टिकल। बच्चों अभी आपके स्क्रीन पे जो सामने आ रहा है क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैशबुक ऑफ प्राप्ति। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेडिंग लगाना होगा सिंपल कैशबुक ऑफ प्राप्ति फॉर द ईयर, फॉर द जून 2016, पूरे जून का आपको कैशबुक बनाना है। रूल मैंने बहुत अच्छी तरह आपको समझाया है कि आपको क्या ध्यान रखना है, तो आप बोलोगे सर डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब बिजनेस में कैश आ रहा है तो डेबिट होगा, बिजनेस में से कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों शुरू करते हैं, पहला जो ट्रांजेक्शन है वो दिया हुआ है ओपनिंग कैश बैलेंस रुपीज 10,000। तो आप बोलोगे सर ये ओपनिंग बैलेंस होता है ऑलवेज, मतलब कैश का जो भी आपका बैलेंस होगा वो ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू बैलेंस बीडी, और यहाँ पे लिख देंगे हम 15 जून 1। कितनी अमाउंट लिखेंगे बच्चों? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे 10,000। ये पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, कैश सेल्स 3,000, पैसे आएंगे या जाएंगे? तो आप बोलोगे सर सेल करोगे तो पैसे आएंगे, आएंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट होगा क्या? तो आप बोलोगे सर सेल्स अकाउंट, क्या होगा सेल्स अकाउंट, कितना लिखेंगे 3,000, कितनी अमाउंट का? तो वो होगा 3,000, और कौन सी डेट पे? सेकेंड डेट पे। आगे चलते हैं बच्चों, थर्ड पॉइंट, कैश ऑफ रुपीज 2,000 बॉट इन द बिजनेस एज अ मोर फंड रिक्वायर, मतलब बच्चों बिजनेस में ओनर को ज्यादा पैसे की जरूरत थी इसलिए उन्होंने क्या किया, बिजनेस में और फंड लेके आए, मतलब आप बोलोगे सर कैपिटल लेके आए, क्या लेके आए कैपिटल, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा टू कैपिटल अकाउंट, कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ये 2,000 होगा और ये 3। इसके बाद आप बोलोगे कैश परचेज, परचेज करोगे तो पैसे जाएंगे क्योंकि कैश परचेज है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब बिजनेस में से कितने पैसे जा रहे हैं 6,000, तो क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, डेट में लिखेंगे 6, यहां लिखेंगे 2015 जून 5, क्या लिखेंगे उसमें, तो आप बोलोगे सर परचेज अकाउंट। ये वाउचर नंबर और लेजर फोलियो में कुछ नहीं आएगा बच्चों, वो खाली नाम का ही है क्योंकि हमारे में कभी इंफॉर्मेशन दी नहीं होती, सब में सिंपल आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ नहीं करोगे तो मार्क कट हो जाएंगे, वो ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर ये परचेज जो है वो 6,000। आगे चलते हैं 7 नंबर, सैलरी ऑफ रुपीज 1,000 एंड ब्रोकरेज ऑफ 1,500 पे बाय कैश। तो आप बोलोगे सर दो चीज पे कर रहे, सैलरी पे की और आप बोलोगे ब्रोकरेज पे कर रहे, दो चीज पे कर रहे हो, एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, पैसे जाएंगे, जाएंगे तो क्रेडिट साइड पे आएगा, तो आप बोलोगे 7 नंबर क्या होगा, सैलरी अकाउंट एंड ब्रोकरेज अकाउंट कितना है,
1000 and 1500। क्लियर बच्चों? नाइन्थ में चलते हैं। गुड्स ऑफ 5000 परचेज फ्रॉम द्रोणा बाई कैश। द्रोणा से हमें 5000 रुपये परचेज, मतलब गुड्स परचेज किया था बाई कैश। तो आप बोलोगे सर परचेज किया है, परचेज करोगे तो पैसे जाएंगे, हमें द्रोणा से परचेज किया था ऐसा बोला गया है, और कैश से परचेज हुआ है तो पैसे जाएंगे, जाएंगे तो क्रेडिट साइड पे। आप बोलोगे सर डेट जो होगी वो 9, ये 7 पे दो ट्रांजेक्शन थे। तो आप बोलोगे सर परचेज अकाउंट कितना परचेज किया है, तो आप बोलोगे सर हमने किया है 5000। क्लियर बच्चों? आगे चलते हैं 11 नंबर का। तो 11 नंबर में क्या है बच्चों, गुड्स ऑफ रुपीज 6000 सोल्ड टू मानसी फॉर कैश। मानसी को हमने कैश में पेमेंट किया है, डेट है 11, पैसे जा रहे तो क्रेडिट साइड पे आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे मानसी अकाउंट कितना लिखेंगे 6000। आगे चलेंगे तो आप बोलोगे सर इसके बाद है 19, 3000 पेड टू नैरुति फॉर गुड्स परचेज इन द प्रीवियस मंथ। हमने प्रीवियस मंथ में परचेज किया था तो तब हमने परचेज लिखा होगा, अभी हम क्या लिखेंगे नैरुति को पे कर रहे हैं। देखो जनरल एंट्री बता देता हूँ तो गड़बड़ी ना होनी चाहिए, ये अच्छा है। इसमें परचेज लिखेंगे कि पर्सन का नाम, वो डाउट नहीं आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर देखो एक सिंपल बात है, जब भी हम क्रेडिट परचेज प्रीवियस मंथ में किया होगा, प्रीवियस मंथ की बात कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझना क्या डायलॉग बोल रहा हूँ, कि ऐसा बोला होगा कि नैरुति से हमने परचेज किया होगा, तो आप बोलोगे सर सिंपल परचेज अकाउंट क्या किया होगा, डेबिट करोगे, और क्रेडिट क्या करोगे, नैरुति अकाउंट क्रेडिट करोगे। अभी एक महीने के बाद नैरुति को आप पेमेंट कर रहे हो तो पैसे जाएंगे, तो जनरल एंट्री कुछ इस तरह होगी, नैरुति अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है बच्चों? तो आप बोलोगे सर सिंपली यहाँ पे जो लिखना है वो क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो हम लिखेंगे 19 वाले में, आप बोलोगे सर नैरुति अकाउंट क्या लिखेंगे, नैरुति अकाउंट कितना लिखोगे, आप बोलोगे सर 3000 हमने पेमेंट किया है तो 3000 लिखेंगे। इसके बाद बच्चों आप बोलोगे किंजल पेड 1500 फॉर गुड सोल्ड टू हर इन प्रीवियस मंथ। किंजल ने हमें पेड किया है, जो क्या किया था हमने उसको गुड सोल्ड किया था, तो आप बोलोगे सर सोल्ड कर रहा है और किंजल ने हमने पैसे दे रही है तो क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि हमारे बिजनेस में पैसे आ रहे हैं। तो प्रीवियस मंथ में सेल किया होगा तो आप बोलोगे सर सिंपल बात है, तो प्रीवियस मंथ में हमने सेल किया होगा तो हमने लिखा होगा एंट्री कुछ इस तरह, ये गलती नहीं होनी चाहिए। सेल है तो आप बोलोगे सर किंजल अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर है बच्चों? जैसे आप ये बोलोगे उसके बाद आप बोलोगे सर सिंपल यहाँ पे क्या लिखना है, तो आप बोलोगे सर कैश अकाउंट डेबिट और किंजल अकाउंट क्रेडिट। ये प्रीवियस मंथ की बात है, ये जो एंट्री हो रही है प्रीवियस मंथ, जब सेल किया होगा तब, और अभी पेमेंट कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, पैसे जा रहे हैं तो आप बोलोगे सर इसमें पैसे आ रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और किंजल ने दिया है हमें पैसे इसलिए किंजल अकाउंट क्रेडिट होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत ही सिंपल है। नहीं समझ में आया तो 2-3 बार देखो सर कहना क्या चाह रहे हैं, वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इतने सिंपल पॉइंट में कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए, आगे और उससे अच्छे अच्छे पॉइंट आएंगे जो आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं 25 नंबर का पॉइंट है, होल्ड साइकिल ऑफ रुपीज 600 परचेज फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए आप क्या कर रहे हो, असेट परचेज कर रहे हो तो आप बोलोगे सर असेट का नाम लिखेंगे, पैसे आएंगे कि जाएंगे, कोई भी चीज आप परचेज करते हो तो आप बोलोगे ऑब्वियसली सर जाएंगे, जाएंगे तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, साइकिल अकाउंट। कौन सी डेट पे सब कुछ हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 25 डेट पे हो रहा है, और कितनी अमाउंट हो रही है 600, ध्यान में रहेगा बच्चों। इसके बाद आगे चलते रुपीज 1000 रिसीव टूवर्ड्स कमीशन, हमें कमीशन मिला है तो आप बोलोगे सर डेबिट साइड पे लिखोगे 1000 टू कमीशन अकाउंट, कितना लिखेंगे 28। उसके बाद मशीन ऑफ 3500 परचेज फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए आपने परचेज किया है तो आप बोलोगे सर असेट परचेज किया है, तो असेट का नाम लिखोगे, परचेज नहीं लिखोगे,
गुड्स परचेज करते हो तो गुड्स का नाम लिखते हो। आई होप बच्चों कि आपको ये मैं पॉइंट समझा पा रहा हूँ, ये ध्यान में रखना है। 30 यहाँ बोलोगे आप क्या, आप बोलोगे सर ये जो है मशीन है, मशीन अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे 3500। क्लियर? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आपका एक स्टेज खत्म। आप बोलोगे सर एक स्टेज मतलब आपको अभी टोटल करना है, इसके बाद बैलेंस ढूंढना है कि यार या मंथ के एंड में कितना कैश आपके पास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ये शांति से आप लिख लो। ये लिखने के बाद आप बोलोगे सर कैसे करना है, तो आप करोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है सबसे पहले देखो बच्चों, सबसे पहले हम टोटल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ ध्यान में रखना है एक दो लाइन छोड़ देनी है। तो यहाँ पे मैंने टोटल किया तो 23,500, इसको बैलेंस करना है। मैंने एक डायलॉग यहाँ पे बहुत फोकस नहीं किया, ये ओपनिंग बैलेंस, ये टू बैलेंस बीडी मतलब क्या होता है, टू बैलेंस बीडी मतलब आप बोलोगे सर ओपनिंग बैलेंस मतलब ईयर के मंथ के स्टार्टिंग में आपके पास कितनी कैश थी। मैंने ये डायलॉग नहीं बोला था तो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये मंथ के स्टार्टिंग में आपके पास कितनी कैश थी वो वाला पॉइंट आपको क्लियर करना है। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है आप बोलोगे सर आपने एक साइड टोटल लिखा, एग्जैक्ट वही लाइन के सामने आपको लिखना है 23,500, क्योंकि इसका टोटल आप करोगे तो आप कैलसी पे मैंने किया है 20,600 होगा, जितना दिख रहा है ना उसकी बात कर रहा हूँ, और बाकी का जो होगा बैलेंसिंग फिगर जिसको बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर 3000 समथिंग आ रहा है, कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर 2900 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2900, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन या क्लोजिंग बैलेंस वर्ड यूज करते हैं, और कौन सी डेट पे होता है, जून है तो 38 जून में ही ये ट्रांजेक्शन होगा, जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आपको ध्यान में रखना है ये टोटल के ऊपर लिखना है, ये टोटल के ऊपर लिखना है, और टोटल के एक लाइन बाद ये क्रेडिट है तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से टू बैलेंस बीडी, लेकिन यहाँ पे मंथ चेंज हो जाएगा 1 जुलाई 2015 और अमाउंट 2900। फिर से एक बार बोल रहा हूँ ये पॉइंट बहुत ही छोटा है लेकिन आपको बहुत ध्यान से समझना है। पहले मैंने बैलेंस बीडी का मीनिंग क्लियर करवाया कि आपके पास मंथ के स्टार्टिंग में कितनी कैश है वो बोला जाता है। टोटल किया, टोटल के प्रेजेंटेशन बहुत ही जरूरी है, कई बार लोग दो लाइन करते हैं तो हम दो लाइन भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे सर डेबिट साइड का आपने टोटल ज्यादा था इसलिए डेबिट साइड टोटल लिखा, वही अमाउंट मैंने क्रेडिट साइड लिखी, सारी अमाउंट को माइनस करके 2900 आ जाएगा। जैसे 2900 आएगा इसको हम बोलेंगे बैलेंस सीडी, कैरिड डाउन बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस के मंथ के एक्सपेंस इतने करने के, इतनी इनकम थी मतलब आपके पास इतनी कैश आई, इतनी कैश गई, तो मंथ के एंड में इतनी कैश मतलब 2900 आपके पास कैश होनी चाहिए। ये जैसे पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये बैलेंस कैरिड डाउन लिखा, टोटल के नीचे ये क्रेडिट साइड है तो आप बोलोगे डेबिट साइड, ऑपोजिट साइड आपने लिखा बैलेंस बीडी 2900, आप जुलाई के मंथ में इतनी कैश आपके ओपनिंग में होगी। बस बच्चों यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। क्वेश्चन अभी बोर्ड पे एक और क्वेश्चन आ जाएगा जो शांति से आपको प्रॉपर उसमें कर देना है, तो अभी आप कर लीजिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।